हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोनोग्राफ करना है, सो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइटल किस में आएगा? कैपिटल लेटर में, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आज हमें मोनोग्राफ करना है। सबसे पहले टाइटल आ गया, सेकंड पॉइंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबसे आसान सबको पता होता है HCl। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल भी सकते हैं, होता है 36.46 ना। उसके बाद लिमिट कि HCl के अंदर कितना प्रेजेंट है हाइड्रोजन क्लोराइड। जो एसिड जो होता है वो लिक्विड होता है, लिक्विड। पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो गैस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड होता है, और जिससे ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, वो गैस फॉर्म में होता है, गैस स्टेट में होता है। तो देखिए, लिमिट के अंदर दो चीज़ें होती है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट होता है 35% एंड अपर लिमिट इज 38%। 35% से कम नहीं होना चाहिए। कौन, क्या चीज़? हाइड्रोक्लोराइड गैस जो है वो 35% से कम नहीं होनी चाहिए, और 38% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये सब जो होता है ना, 100% के हिसाब से होता है, 100% के हिसाब से जितना बचा वो वाटर हुआ। 38 माइनस 100, जितना बचा वो वाटर हुआ। कितना बचा? 100 माइनस 38, 10, 8, 2 और 9, 3, 6, 62%। 62% जो हुआ वो वाटर होगा। 62% वाटर के अंदर हम जब 62% वाटर के अंदर जब एच हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब डिसॉल्व करेंगे, तब हमारा बनेगा 100% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बार फिर से समझते हैं, जब 62% वाटर के अंदर 62 वाटर लिया हमने, 62 ग्राम या परसेंटेज, ठीक है, वाटर लिया हमने 62 ग्राम वाटर, इसके अंदर जब हम H2 हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को डिसॉल्व करेंगे, कितना? 38% या 38 ग्राम, तब हमें मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब हमें मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जो है वो हम दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट होती है हमारी सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? NaCl, नमक, सॉल्ट। सेकेंड होती है बाय सिंथेसिस। सो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड से कैसे होती है। सोडियम क्लोराइड और कॉन्सनट्रेटेड कॉन्ग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं, जब आपस में मिलाते हैं, तब हमें HCl देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस H2Cl2 गैस देता है। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम एक ट्रे के ऊपर रख देते हैं, वो ट्रे जो होती है वो कास्ट आयरन की ट्रे होती है, कास्ट आयरन ट्रे। हमने 12th क्लास में पढ़ा था पिग आयरन और कास्ट आयरन, थोड़ा सा रिमाइंड करो, पिग आयरन और कास्ट आयरन उसकी बनी होती है ये। तो पिग आयरन जो होता है वो तो डायरेक्ट हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिल जाता है, और पिग आयरन को जब हम प्रोसीड करते आगे, जब हम उसे मेल्ट करते हैं, तब हमें जाके कास्ट आयरन मिलता है। और पिग आयरन के अंदर कितने परसेंट कार्बन होते हैं? 4% कार्बन होते हैं पिग आयरन में, कास्ट आयरन में उससे कम होता है, मतलब 3% उसमें
कार्बन की मात्रा होती है कास्ट आयरन में। पिग आयरन जो होता है वो उतना यूज़ नहीं होता है, और कास्ट आयरन जो है बहुत यूज़ होता है, लाइक ये आयरन जैसे कि नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए यूज़ होता है। ये तो हो गया डिफरेंस पिग आयरन एंड कास्ट आयरन में, जो कि हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था मेटलर्जी में, जब हम आयरन और एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। अब क्या होता है कि हमने एक ट्रेली, किसकी ट्रेली, कास्ट आयरन ट्रेली, उसके ऊपर हमने डाल दिया H2SO4 और सोडियम क्लोराइड। डालने के बाद हम उसे फर्नेस एक जगह होती है जहाँ पर हीट जो होती है, आग जल रही होती है, और जिससे क्या होता है कि पिघलने का काम करते हैं या रिएक्शन का काम करते हैं, जैसे जिसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है उसको हम फर्नेस के अंदर रख देते हैं। तो उसके फिर उस ट्रे को हमने क्या किया, फर्नेस के अंदर रख दिया। फर्नेस के अंदर रखने के बाद जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे, जब रेड हीट मिलेगी उसको, एकदम रेड हॉट होगा, तब उसके अंदर से हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऊपर आता हुआ दिखेगा, और उसे हम कलेक्ट कर लेंगे थ्रू दी पाइप। ये प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड सिंथेसिस के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर। सो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। सोडियम क्लोराइड के अंदर हम NaCl प्लस H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ। तो ये हमें देता है HCl गैस, यानी कि H हमारा एक यहाँ से निकला और एक Cl हमारा यहाँ से निकला, एक H हमारे यहाँ से निकला, एक ये Cl यहाँ से निकला, और बन गया हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। प्लस में जो यहाँ पर बचा, एक H बना, एक Na बचा यहाँ पर, Na, सो Na लिख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या बचा, एक H बचा, एच लिख देते हैं, और SO4। तो क्या बन गया, ये सोडियम बाय सल्फेट बन गया। बाय किस लिए, हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं, बाय किस लिए, हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं। या तो हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी लिख सकते हैं, एंड सल्फेट क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर SO4 है, SO3 होगा तो सल्फाइट हो जाएगा। ये रिएक्शन हो गई कम्प्लीट और हमें HCl मिल गया। क्यों मिला HCl, क्योंकि हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, HCl की कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कर रहे हैं, तो मिलेगा भी HCl। आँख बंद करके सबसे पहले तो ये लिखना है आपको, आँख बंद करके सबसे पहले जिसका हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले वो लिख दीजिए रिएक्शन के अंदर। अब होगा क्या, इसके अंदर हमें दिख रहा है कि एक H बचा हुआ है, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन है। अब फिर क्या करेंगे, सोडियम बाय सल्फाइड को फिर से NaCl इसके अंदर डाल देंगे, NaCl फिर से ऐड कर देंगे ऊपर से, और इन दोनों का अब रिएक्शन करेंगे फर्नेस के अंदर ही। जब ये एकदम रेड हॉट सा हो जाएगा ना, एकदम लाल कलर का, तब ये हमें देगा HCl, फिर से ये HCl देगा, ये वाला H और फिर से एक NaCl का H मिलकर HCl हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा, और उसे फिर से हम कलेक्ट कर लेंगे। अब फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा NaSO4 हमें मिलेगा। NaSO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट। इसकी जो रिएक्शन है ना, वो अच्छे से हम करते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम थ्योरी के साथ साथ इसकी रिएक्शन भी करते हैं। सो प्रिपरेशन की हम थ्योरी देख लेते हैं, फर्स्ट प्रिपरेशन क्या बोलता है, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड NaCl से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड मतलब बनाना, बाय ट्रीटिंग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बाय ट्रीटिंग सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको लैब लैंक सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। देन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर हीटेड, जो लिखा होगा, जितना अमाउंट हमारे फार्माकोपिया की बुक में लिखा होगा
उतने अमाउंट हम सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ले लेंगे, उसे हीट करेंगे, हीट इन द कास्ट आयरन पेन ऑफ अ सॉल्ट केक फर्नेस। इस फर्नेस को बोल दिया सॉल्ट केक फर्नेस, क्योंकि सॉल्ट NaCl केक मतलब यहाँ पर कोई केक मिलेगा हमें, सोडियम सल्फेट सॉल्ट केक मिलेगा, तो सॉल्ट केक फर्नेस के अंदर हम सेटल कर देंगे। इस फर्नेस का जो है नाम दे दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस निकलेगी बाहर प्रोड्यूस्ड बाय स्लो हीटिंग विच पासिस आउट थ्रू द एग्जिट एट द टॉप। अब इसको समझते हैं क्या बोला गया है। सपोज डेट कि मैंने इमेजिनरी एक पिक्चर बनाई है समझाने के लिए कि ये एक फर्नेस है, नीचे से यहाँ पर फायर आ रही है, नीचे से आग जल रही है ताकि वो हीट होने के लिए। और ये जो ज़्यादातर आग होती है ना वो कोल से जलाते हैं आग को, यहाँ पर कोई बर्नसन बर्नर नहीं है, ये कोल से जली हुई आग है। देन उसके बाद इसके यहाँ पर एक ट्रे होता है, ये ट्रे के ऊपर हम इस कास्ट आयरन पेन को रख देते हैं, ट्रे के ऊपर कास्ट आयरन पेन को रख देते हैं। इसके अंदर हम NaCl डाल देंगे जितना अमाउंट चाहिए और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 को डाल देंगे। फिर उसे हम फायर जला देंगे, फिर ये हीट होगा, बहुत देर तक हीट होते होते फिर स्मॉल क्वांटिटी में धीरे धीरे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी, HCl गैस बनेगी और ये ऊपर जाएगी। ये है एग्जिट करने वाला गेट हाइड्रोक्लोराइड के लिए, एग्जिट यहाँ से बनी और ऊपर जाएगी यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर, एक चैम्बर के अंदर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी HCl गैस। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, ये सब तो हमने पढ़ लिया, समझ भी आ गया होगा होप सो। अब रिएक्शन देख लेते हैं जो कि हमने पहले भी देखी थी, सिंपल है। 3-4 बार लिखने की कोशिश करो रिएक्शन को जितना हो सके, जिससे आपका क्या होगा रिवीजन होता रहेगा। सो लिखते हैं NaCl+ में H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जब NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आग बंद करके लिख देना HCl देगा। साथ में HCl तो निकला, एक H यहाँ से निकला, एक Cl यहाँ से निकला, HCl तो निकला, क्या बचा Na पहले लिख देंगे, क्या बचा यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा, H लिख देंगे SO4। ये है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, इसका दो नाम है। अब क्या होता है ये सुनो, और ये जो होते हैं ना थोड़ा सा पेस्टी होता है, पेस्टी चिपचिपा एकदम पेस्टी सा, द पेस्टी मास ऑफ NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 इज मिक्सड विद मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl इसके अंदर। और जब ये एक रिएक्शन पूरी हो जाएगी इसके अंदर फिर से NaCl ऐड करेंगे एंड हीटेड टू रेडनेस, फिर से उसको रेडनेस तक हीट करेंगे, एकदम लाल हो जाएगा टमाटर की तरह, टू रेडनेस टू यील्ड अ फर्दर सप्लाई ऑफ HCl लिविंग बिहाइंड, ताकि और HCl हमें मिले, HCl मिले क्योंकि Cl की बस एक ज़रूरत है, एक S तो हमारे पास है यहाँ पर जो बचा है, तो Cl की ज़रूरत है इसलिए और ऐड कर देंगे ताकि ज़्यादा अमाउंट में हमें HCl भी प्रिपेयर हो जाए। लिविंग बिहाइंड, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा हमें, एनहाइड्रस का मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, NaSO4। कहीं पर भी हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं, मतलब एनहाइड्रस है, हाइड्रोजन नहीं है। इस सोडियम सल्फेट को बोलते हैं सॉल्ट केक, इस सोडियम सल्फेट को बोलते हैं सॉल्ट केक। अब सेकेंड रिएक्शन को भी यहीं पर लिख लेते हैं, आप एक बार पॉज करके लिए इसे, होप्स आपने लिख लिया हुआ, यहीं पर फर्स्ट रिएक्शन को मिटा के लिख देती हूँ। टन 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 टन, ये हो गया। सेकेंड रिएक्शन में सेम वही होगा, बस NaCl की H2SO4 की जगह आ जाएगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये दोनों रिएक्ट करके क्या मिलेगा, HCl मिलेगा प्लस में NaSO4, यहाँ पर टू मॉलिक्यूल लिख लीजिए ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन।
ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड भी आ गई है। अब हम चलेंगे सेकंड मेथड पर, बाय सिंथेसिस मेथड पर। तब तक ये आप पॉज करके लिख लीजिए। सो अब सेकंड मेथड पे आते हैं, फ्रॉम सिंथेसिस। फ्रॉम सिंथेसिस मेथड आप प्रेफर कीजिए, जो पहला वाला मेथड था सोडियम क्लोराइड से बनाने का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी को प्रेफर कीजिए। उसके अंदर रिएक्शन भी है और एग्जाम में लिखेंगे तो इसमें मार्क्स भी मिलेंगे। ये आप समझने के लिए समझ सकते हैं। फ्रॉम सिंथेसिस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेज आर ऑप्टेंड। कब ऑप्टेंड होगी? बाय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। जब कास्टिक सोडा बनाने के लिए, कास्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaCl का। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaCl मतलब NaCl सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसके अंदर दो कैथोड्स भी लगे होते हैं। ये समझा देती हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। ऐसा एक सेल होता है, उसके अंदर दो रॉड्स होती हैं, एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है। एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। ये समझ लीजिए कि कैथोड है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये समझ लीजिए कि एनोड है, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैथोड जो है वो मरकरी का बना होता है, HG इज मरकरी। एंड एनोड जो है वो कार्बन का बना है, कार्बन का बना हुआ होता है, कार्बन सी। नाउ इसके अंदर हम पोर कर देते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब NaCl सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन हम इसके अंदर पोर कर देते हैं और इसको सेल से जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं? सेल से जोड़ देते हैं फर्दर। जब इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर क्या है? NaCl है, Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस, ऐसे करके आयंस होते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaCl और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन अलग हो जाते हैं NaCl से। और होता क्या है कि Na पॉजिटिव जो है वो कैथोड के पास आकर चिपक जाता है। मतलब सोडियम आयन जो है वो कैथोड के पास आकर चिपक जाते हैं। कैथोड के पास आकर चिपक गए और इन ये बना लेते हैं मरकरी एमलगम। ये बना लेते हैं और जो क्लोराइड होता है, जो क्लोरीन आयन होता है, वो क्लोराइड की फॉर्म में बाहर उड़ जाता है, गैस की फॉर्म में उड़ जाता है। इसे कलेक्ट कर लेते हैं, क्लोराइड को कलेक्ट कर लेते हैं। ये होता है प्रोसीजर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl के अंदर। और इस सेल का नाम है केटलर करके कुछ नाम था इसका, सो उसको छोड़ देते हैं, ये हमारे उसमें है नहीं। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस से हम कास्टिक सोडा बनाते हैं, NaOH बनाते हैं। सो दीज गैसेस आर ड्राइड एंड देन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस, ये जो गैसेस हमें मिलती है, दीज गैसेज आर ड्राइड एंड देन कम्बाइंड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये जो गैस निकली उसके अंदर कुछ वाटर के वेपर्स होंगे, उन वाटर के वेपर को सबसे पहले हटाते हैं, ड्राई करते हैं, देन उसके बाद हम हाइड्रोजन के साथ उसे कंबाइन कर देते हैं। क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गया। और उस गैस को फिर कूल कर लेते हैं एंड वाटर स्प्रेड ओवर द गैस। होता क्या है ना कि गैस को हमने एक चैम्बर में कलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं समझाती हूँ, और पहले मेथड में भी यही था, गैस को हमने इस चैम्बर में कलेक्ट कर लिया। चैम्बर है इसमें, ये इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसके अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। इस चैम्बर के अंदर हम ऊपर से हल्का सा ये ढक्कन इसका खोल के ऊपर से हम ठंडा पानी हम इसके अंदर पोर करते हैं। जितना भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है ये इस कोल्ड वाटर के साथ सॉल्यूबलाइज हो जाता है, मिल जाता है और ये बना लेता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये समझ आ गया होगा आसानी से। एंड इससे हमें एक प्रॉपर्टी पता चलती है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो सॉल्यूबल है वाटर में, ईजिली सॉल्यूबल है वाटर के अंदर। सो ये है पॉइंट। नाउ हम इसकी फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही करेंगे, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करते ही आपने लिख लिया होगा।
फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हम पढ़ते हैं? सबसे पहले तो इसका टेस्ट पढ़ते हैं। टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टा टेस्ट। क्योंकि क्यों भाई? क्योंकि ये तो एसिड है। एसिड में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि एसिड का टेस्ट होता है सोर टेस्ट होता है। और इसकी जो स्मेल होती है ना, वो पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट, एकदम तीखी सी स्मेल होती है, दिमाग को हिला डालने वाली स्मेल, पंजेंट स्मेल होती है। या हम कह सकते हैं इरिटेटिंग स्मेल, दिमाग में चढ़ जाती है, छींक आने लगती है, स्नीजिंग होती है, इरिटेटिंग स्मेल या पंजेंट स्मेल सी होती है इसे। इसीलिए कभी भी अगर केमिस्ट्री लैब में अगर किसी भी सामान को बोलते हैं ना स्मेल करने के लिए, तो हमेशा डायरेक्टली ऐसे करके स्मेल नहीं करना चाहिए। बॉटल लीजिए या जिसमें भी कंटेनर के अंदर वो प्रेजेंट है कंपाउंड, इसको ऐसे करिए, ऐसे करेंगे देन डायरेक्टली हमें नाक नहीं लगाना, एकदम ऐसे एयर को ऐसे करिए जिससे आपको स्मेल जो है वो कम आए और पता भी चले, नहीं तो वो दिमाग में चढ़ जाती है, सर दर्द होने लगता है। पंजेंट और इरिटेटिंग इसका स्मेल होती है, पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल होती है, सोर इसका टेस्ट होता है, पंजेंट स्मेल होती है। और ये कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड और कलरलेस गैस भी होता है। कलरलेस लिक्विड बोल दीजिए या हाइड्रोजन क्लोराइड की बात हुई तो कलरलेस गैस। ये जो होता है ना, थोड़ा सा येल्लो कलर का भी हो सकता है, येल्लो इन कलर। भाई अब आपने तो बोला कि कलरलेस होता है, यहाँ येल्लो लिख दिया, क्यों लिख दिया? इम्प्योरिटी के कारण। और इम्प्योरिटी भी कौन सी? आयरन इम्प्योरिटी के कारण इसका कलर येल्लो हो जाता है। सो अगर इसमें आएंगे हमारा टेस्ट फॉर प्योरिटी में, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आयरन इम्प्योरिटी। टेस्ट फॉर प्योरिटी के अंदर हम आयरन लिखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले आयरन का भाई टेस्ट करो इम्प्योरिटी कि है या नहीं है। जब हम लिमिट टेस्ट अलग से चैप्टर है, उसके अंदर आयरन का जो लिमिट टेस्ट है वो है, उसके अंदर स्पेसिफिकली बताया जाता है कि हमें आयरन फ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। आयरन फ्री हाइड्रोक्लोरिक ऐसे नहीं लिखा जाता कि आयरन फ्री एच सी एल, ऐसे नहीं लिखा जाएगा लिमिट टेस्ट में। ऐसे लिखा जाएगा इसकी जो फॉर्मूला होगा Fe, इसका मतलब होता है आयरन फ्री एच सी एल, इसका मतलब होता है आयरन फ्री कुछ भी चीज़, एच सी एल हो या जो भी कंपाउंड है, आयरन फ्री। अगर हमें आर्सेनिक फ्री लेना है ना, तो AST लिखा होगा, आर्सेनिक फ्री। अगर लेड फ्री लेना है ना, तो PBT, ऐसे। टी रिप्रेजेंट करता है आयरन फ्री, सो फ्री को रिप्रेजेंट करता है, आर्सेनिक फ्री, लेड फ्री, आयरन फ्री, ये अभी जान लीजिए, नहीं तो लिमिट टेस्ट में भी हम पढ़ाएंगे। सो ये हटाते हैं अपने क्लास पे आते हैं। येलो इन कलर इम्प्योरिटी के कारण होता है। अगर हमें येलो मिले ना अच्छे, तो समझ लो इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। नाउ अब हम आते हैं कि ये जो होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है, वो हैवियर होती है, भारी होती है, सॉल्यूबल होती है इन वाटर में, कम्प्लीटली सॉल्यूबल होती है, हम तो कह सकते हैं वाटर में। प्रेशर से अगर प्रेशर से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डालेंगे तो ईजिली सॉल्यूबलाइज हो जाएगी, इसका सॉल्यूबलाइज हो जाएगी, या हम कह सकते हैं ईजिली लिक्विफाई, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लिक्विड में चेंज हो गई तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे इसे, अगर गैस है तो हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहेंगे, इसको हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। सो ये हो गया पॉइंट। नाउ इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.18 एंड और भी पॉइंट्स हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टेस्ट हो गया, स्मेल हो गई, एंड एक मिनट में चेक कर लेती हूँ और क्या बचा है इसमें। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है
एंड गैस जो है लिक्विफाई हो जाती है, बता दिया है, इरिटेटिंग ऑर्डर है इसका। एंड इसका सेकेंड नाम जो होता है ना, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, म्यूरेटिक एसिड या स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम, कॉमन नेम। एग्जाम में एक दो मार्क्स में आ जाता है या MCQ के अंदर आ जाता है कि म्यूरेटिक एसिड या HCl का दूसरा नाम बताए, कॉमन नेम म्यूरेटिक एसिड या स्पिरिट ऑफ सॉल्ट क्या होता है, HCl। ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। एंड इट मे बी कलर्ड येलो बाई ट्रेसिस ऑफ आयरन क्लोराइड एंड ऑर्गेनिक मेटर्स। एंड यस, एक और चीज़, ये जो फ्यूम्स देते हैं ना, फ्यूम्स ऑफ HCl इज़ कलरलेस, फ्यूम्स ऑफ HCl इज़ कलरलेस। बट होता क्या है, जब ये रिएजेंट बॉटल खुलती है, HCl इसके अंदर है, इसका स्टॉपर हमने हटाया, ढक्कन ऊपर से हटाया, इसके अंदर से गैस निकली। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ना, इस फ्यूम के अंदर आ जाते हैं और वाइट फ्यूम देने लगते हैं, हमें वाइट कलर का फ्यूम दिखने लगेगा। वैसे ओरिजिनल जो इसका फ्यूम होता है वो कलरलेस होता है, पर इन वाटर वेपर्स के कारण एनवायरनमेंट हमें वाइट फ्यूम दिखता है। पर ये जो फ्यूम्स होते हैं ना, वो ओनली एंड ओनली कॉन्सेंट्रेटेड अगर HCl लेंगे तब मिलेंगे। अगर हमें फ्यूम्स नहीं चाहिए तो इसे हम डाइल्यूट करना पड़ेगा, एंड डाइल्यूट कितना करेंगे, इसके अंदर हम दो गुना वाटर ऐड करेंगे HCl के अंदर। दो गुना वाटर जब ऐड करेंगे हम HCl के अंदर, तब इसके फ्यूम्स नहीं आएंगे। सो ये भी एक पॉइंट है। एंड सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी दूसरा भी पॉइंट है, मैं इरेज कर देती हूँ इसे। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारी लेबोरेटरी के अंदर जो रिएजेंट होते हैं, HCl रिएजेंट मेनली, उसका जो परसेंटेज होती है वो 38% होती है। यानी कि उस रिएजेंट बॉटल के अंदर 38% HCl होगा, 62% वाटर मिला होगा, 62% वाटर होगा, 38% HCl होगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं, वाइवा के अंदर भी पूछते हैं कि हमारे रिएजेंट बताएं कि HCl के अंदर जो है वो रिएजेंट ग्रेड कितना है, रिएजेंट ग्रेड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन अबाउट 38% HCl। अगर नॉन फ्यूमिंग सॉल्यूशन चाहिए तो हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को विद 2 moles ऑफ वाटर। ये हमने सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ ली हैं। नाउ एक और पॉइंट है कि इट गिव्स कॉन्स्टेंट बॉइलिंग एजोट्रॉप विद वाटर, डेट इज बॉइलिंग पॉइंट इसका 108.5 है। बॉइलिंग पॉइंट लिख देते हैं, 108.5 है बॉइलिंग पॉइंट। एंड जो इसका बॉइलिंग एजोट्रॉप है वो कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि बॉइलिंग एजोट्रॉप मतलब, एजोट्रॉप का मतलब होता है दो सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे तो वो एक एजोट्रॉप बनता है। और अगर हमें उनका कॉन्सनट्रेशन, अगर हमें उनका कॉन्सनट्रेशन डिफरेंट करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं और उस कंपाउंड को कम कर देते हैं और ये एजोट्रॉप बन जाता है। पर HCl के अंदर ये A और B, यानी कि HCl की क्वांटिटी 38% की 38% रहेगी, वाटर की क्वांटिटी 62% की 62% ही रहेगी। हमें चेंज नहीं करना है, कॉन्स्टेंट एजोट्रॉप हमें चाहिए, सिंपल डिस्टिलेशन। सो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कर ली है, अब स्टोरेज पे आते हैं। टेस्ट फॉर प्योरिटी करेंगे, इनकम्पैटिबिलिटी करेंगे, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है। पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। स्टोरेज मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहाँ पर स्टोर करके रखे, प्रिजर्व करके रखे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड बी कैप्ट इन अ स्टॉपर्ड कंटेनर, स्टॉपर्ड कंटेनर मतलब जिसके ऊपर ढक्कन हो, स्टॉपर्ड हो ढकने के लिए, स्टॉपर्ड कंटेनर ऑफ ग्लास और एनी अदर इनर्ट मटेरियल। प्लास्टिक का हमें कंटेनर नहीं चाहिए, ग्लास का चाहिए, और या कोई भी किसी भी इनर्ट मटेरियल से कोई अगर कंटेनर बना है तो वो लेड फ्री कंटेनर,
एंड स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस. 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर होना चाहिए, वहाँ पर हम इसको स्टोर करके रखेंगे. नाउ टेस्ट फॉर प्योरिटी. टेस्ट फॉर प्योरिटी मतलब ये जो लिखा होते हैं ना, ये आयरन सल्फेट, ये इम्प्योरिटीज़ होती है, इनकी प्योरिटी को टेस्ट करने की कितना प्रेजेंट है या नहीं है. सो टेस्ट फॉर प्योरिटी, टेस्ट फॉर आयरन, सबसे मेन आयरन, सल्फेट, हैवी मेटल आर्सेनिक, लेड, क्लैरिटी एंड ऑर्डर. ये जो होते हैं ना तीन, आयरन, हैवी मेटल, आर्सेनिक, लेड, ये जो चार होते हैं वो आप देखोगे हर एस्से के अंदर ये चार तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे. अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आ रहा है, टेस्ट फॉर प्योरिटी तो पक्का ही याद रहेगी. ये चार है, कॉमन चार है हर एस्से के अंदर, हर मोनोग्राफ के अंदर ये चार तो प्रॉपर्टीज़ होगी ही होगी. बहुत ईजी होता है इसको याद करना. टेस्ट फॉर आयरन को, आयरन के लिए सल्फेट, हैवी मेटल, आर्सेनिक, लेड, क्लैरिटी और ऑर्डर तो हमें पता होना चाहिए. क्लैरिटी मतलब दिखने में, अगर पीला हो गया मतलब आयरन प्रेजेंट है, अगर कलरलेस है तो नो आयरन प्रेजेंट. ऑर्डर से भी पंजेंट होनी चाहिए ऑर्डर, अगर कुछ सड़ी सी आ रही है मतलब ख़राब हो चुका है ये, या कुछ ऑर्डर ही नहीं आ रही तो मतलब उसकी पावर ही ख़त्म हो चुकी है. ना इनकम्पैटिबल मतलब वो कंपैटिबल ही नहीं है. कंपैटिबल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंड है, मतलब कि फ्रेंड होना. इनकम्पैटिबल मतलब एनिमी है. एनिमी के बारे में हम पढ़ेंगे, HCl की क्या क्या एनिमी होती है, कौन कौन सी एनिमीज है HCl की. द क्लोराइड आयन है ये. द क्लोराइड आयन इज प्रेसिपिटेटेड विद सिल्वर, मर्क्यूरस मर्करी एंड लेड सॉल्ट. अगर हम HCl को रिएक्ट कराएंगे ना सिल्वर के साथ, मर्क्यूरस मर्करी के साथ और लेड सॉल्ट के साथ, तो ये क्या करेगा कि क्लोराइड आयन को प्रेसिपिटेट कर देगा. नीचे में प्रेसिपिटेट जमा हो जाएंगे, रिएक्ट ही नहीं हो पाएगा, प्रेसिपिटेट बना देगा सिल्वर, मर्क्यूरस मर्करी एंड लेड सॉल्ट. इसीलिए इनके साथ रिएक्शन नहीं हो पाता है, नहीं रिएक्ट करता है, नहीं करवाते हैं हम इनका HCl और सिल्वर, मर्क्यूरस मर्करी एंड लेड सॉल्ट के साथ HCl का रिएक्शन. ना होता है टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन पे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यही HCl है. अगर क्लोराइड का रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये HCl है. सेकेंड पॉइंट ये है कि व्हेन एडेड टू KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, अगर पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर HCl को डालेंगे तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी. KMnO4 हैज पोटेशियम परमैंगनेट. एक K2MnO4 भी होता है, K2MnO4 ये होता है, वो होता है पोटेशियम मैंगनेट. ये होता है KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट. अगर K2MnO4 हुआ, 2 आ गया, तो मतलब पोटेशियम मैंगनेट होता है, कंफ्यूज नहीं होने का. सो अब ये स्टोरेज, टेस्ट फॉर प्योरिटी, इनकम्पैटिबल, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन भी हो गया. होप आपको समझ आ गया होगा. सो अब ऐसे करते हैं, ऐसे ऑफ HCl. इसका भी ऐसे जो होता है ना, बोरिक एसिड की तरह न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस ये होता है, न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस. इसका भी टाइट्रेशन जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस में होता है. हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एसिड आता है और बेस आता है. एसिड तो ये है ही पहले से, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमें अब बेस की ज़रूरत है. बेस जो है वो NaOH लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं हम एज अ बेस इन ब्यूरेट के अंदर लेते हैं हम. इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये. जो भी चीज़ ब्यूरेट के अंदर आएगी उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे. अब कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम एसिड लेंगे, HCl लेंगे, प्लस वाटर लेंगे, HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे. नाउ
और ये वाला HCl कौन सा है? रिएजेंट HCl है, जिसके अंदर 38% वाटर है, सॉरी 38% HCl है और 62% वाटर है। इस रिएजेंट को खोलेंगे, उसके अंदर से हम 4 ग्राम एसिड जो है लेंगे और 40 ml वाटर के अंदर डाल देंगे। 40 ml वाटर के अंदर इस 4 ग्राम को पोर कर देंगे एंड फिर इसको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एसिड प्लस वाटर आ गया। इसके अंदर जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर जो एंड पॉइंट बताता है, इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि कैसे हम टाइट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? कॉनिकल फ्लास्क को हम ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर इसका एक पकड़ने वाला होता है, इस ब्यूरेट को पकड़ने वाले हैं। यहाँ पर ब्यूरेट है, ब्यूरेट का नॉब है जिससे ओपन और क्लोज होता है। इसके अंदर हमने HCl लिया है प्लस वाटर लिया है, H2O लिया है। HCl कितना लिया है हमने? 4 ग्राम। वाटर कितना लिया है? 40 ml। इसको दोनों को मिक्स कर दिया है। ऊपर से हम इसके अंदर हम लेंगे NaOH, वन नॉर्मल NaOH लेंगे। ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे। इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज भी डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज के भी 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर देगा रेड कलर, बेस के अंदर देगा कलरलेस, सो इसकी रिएक्शन अब देखते हैं हुआ क्या। इसकी रिएक्शन ये हुई कि सबसे पहले NaOH जो है NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और बना लेगा NaCl प्लस में H2O। नमक बना लेगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे में। अब इसके अंदर क्या बचा? वाटर बचा। वाटर से तो रिएक्ट करेगा नहीं, उल्टा और डाइल्यूट हो जाएगा NaOH। अब इसके अंदर है मिथाइल ऑरेंज। अब NaOH जो है मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर देगा? कलरलेस, कोई कलर नहीं देगा, क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट, बेस के अंदर कौन सा कलर देता है? कलरलेस। NaOH क्या है? बेस है। जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कलरलेस देगा। पहले जब HCl था, जब हम डालेंगे तो इसका कलर कौन सा होगा? रेडिश ऑरेंज कलर का कलर होगा, रेडिश ऑरेंज। और इसके अंदर जो है ना ये मिथाइल ऑरेंज, 1 से 2 ड्रॉप डालते हैं, 1 ड्रॉप भी काफ़ी होती है। 1 ड्रॉप ये नहीं कि पूरा डाल दो, आप 1 ड्रॉप डालना है मिथाइल ऑरेंज। NaOH मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करेगा, कलरलेस बनाएगा। क्यों कलरलेस बताएगा? क्योंकि HCl है ही नहीं। अब NaOH रिएक्ट ही नहीं करेगा HCl के साथ, HCl ख़त्म हो गया रिएक्ट करके। सो ये इसकी रिएक्शन हो गई है। नाउ इक्विवेलेंट फैक्टर आ गया है। इक्विवेलेंट फैक्टर कल सिखाया था, इक्विवेलेंट फैक्टर बोरिक एसिड के अंदर। इक्विवेलेंट फैक्टर को निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? मॉलिक्यूलर वेट। कितना है मॉलिक्यूलर वेट? 36.46। 1 नॉर्मल HCl इज़ इक्वल्स टू कितना आएगा? 36.46 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.03646 ग्राम ऑफ HCl, वन एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वन एन यहाँ पर HCl नहीं आएगा, वन एन, क्योंकि वन एन तो नॉर्मल NaOH है ना, सॉरी वन नॉर्मल NaOH इज इक्विवेलेंट टू 0.03646 ग्राम ऑफ HCl। ये हमें मिलेगा इक्विवेलेंट वेट के अंदर।
अब हमारा यूजेस बचा है. यूजेस ये ऐसे कंप्लीट हो चुका है. होप आपको समझ भी आ गया होगा. इसके यूजेस में HCl जो है, यूजेस ऑफ HCl, इसके यूजेस में HCl जो है वो एस्चॉर्टिक की तरह काम करते हैं. एस्चॉर्टिक का मतलब होता है कि ये अनवांटेड टिश्यू ग्रोथ को इनहिबिट करता है. कैंसर सेल को मारता है, कैंसर सेल को किल करता है. अगर हाथ में, स्किन के ऊपर कहीं पर भी अगर वॉर्ट्स हो जाते हैं, मतलब कि दाने, फुंसी, फोड़ा, ये सब हो जाते हैं, तो इसको मारता है, किल करता है HCl, इसको किल करता है. पर ये सब तो हुआ दूसरी बात. सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ना HCl का, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है HCl का, वो है ए क्लोरहाइड्रिया के अंदर सबसे मेन यूज़ होता है. ए क्लोरहाइड्रिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ HCl इन स्टोमिक. पेट के अंदर HCl नहीं बन रहा है, पेट के अंदर HCl नहीं बन रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं ए क्लोरहाइड्रिया. एब्सेंस ऑफ HCl इन स्टोमिक, पेट के अंदर HCl ही नहीं है. पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है HCl के कारण. फिर पेप्सिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहे तो जो प्रोटिक रिएक्शंस होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, वो हो ही नहीं पा रही है. तो ए क्लोरहाइड्रिया के अंदर हम HCl का यूज़ करते हैं. HCl को हम बॉडी के अंदर डालते हैं ए क्लोरहाइड्रिया कंडीशन में इंट्रावीनियसली, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू. वेन्स में इंजेक्शन लगाते हैं HCl का और ये HCl बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ए क्लोरहाइड्रिया कंडीशन में, जब HCl नहीं होगा बॉडी के अंदर. तो ये क्या काम कर रहा है? एज अ एसिडिफाइंग एजेंट की तरह ये काम कर रहा है. ये इसका मेन यूज़ है. मेन यूज़ को बोलते हैं कैटेगरी. HCl की क्या कैटेगरी है? एसिडिफाइंग एजेंट. कैटेगरी का मतलब होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन. सबसे ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मेन इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन HCl का है एसिडिफाइंग एजेंट. एसिडिटी मतलब एसिड को डाल रहा है बॉडी में, ये एजेंट काम कर रहा है. सो ये यूज हो गए HCl के. सो आज हमें केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी तो ये है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक एसिड है. इट मीन्स जो लिटमस पेपर होगा उसको वो रेड में चेंज करेगा. लिख लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर चेंज टू रेड लिटमस. जब हम ब्लू लिटमस पेपर को HCl के अंदर डिप करेंगे देन वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, कलर रेड देगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है इट रिएक्ट विद मेटल्स, हाइड्रो ऑक्साइड एंड कार्बोनेट. HCl मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा. सो लिख लेते हैं, किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. हाइड्रो ऑक्साइड KOH ले लेते हैं एंड कार्बोनेट Na2CO3. इन तीन के साथ जो है HCl रिएक्ट करेगा. HCl + HCl + HCl. केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि वो कंपाउंड कौन कौन से रिएक्शन दे सकता है. केमिकल प्रॉपर्टीज में ये होता है. एंड प्रिपरेशन में कि किन कंपाउंड से हम HCl बना सकते हैं. सो अब देखते हैं क्या होता है इसकी रिएक्शन. ये तीन चीज़ें होगी, मेटल भी हो गया हमारा Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट ले लिया हमने सोडियम कार्बोनेट. इट रिएक्ट विद मेटल्स हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट टू फॉर्म द क्लोराइड ऑफ द मेटल. सो अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, आगे प्रोसीड होगा. लिखा है टू फॉर्म द क्लोराइड ऑफ द मेटल. मेटल के साथ जब हम क्लोराइड को अटैच करा देंगे इसका मतलब वो क्लोराइड ऑफ द मेटल. तो Mg यहाँ से Mg और Cl, Mg Cl2
सी एल, के सी एल, एन ए टू सी एल, एन ए टू, एन ए टू, एन ए सी एल, एन ए सी एल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए सी एल बनेगा, यहाँ पर के सी एल बनेगा, ऊपर में एम जी सी एल टू बनेगा। प्लस में अब प्लस में क्या मिलेगा वो देखते हैं। द हाइड्रोजन इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द हाइड्रोजन इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द हाइड्रोजन इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एच सी एल के अंदर जो हाइड्रोजन है इज डिस्प्लेस्ड, हट जाएगा बाय मेटल, बाय मेटल। ये जो हाइड्रोजन है इसकी, ये हट जाएगा, इसकी प्लेस ले लेगा कोई भी, ये जो तीनों मेटल है उसकी प्लेस ले लेंगे। सो ये हमारा एम जी सी एल टू, के सी एल और एन ई सी एल बनाएगा क्लोराइड ऑफ द मेटल। एंड ईल्डिंग, ये हटने के बाद ये ईल्ड होगा, ये प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस में, एच टू गैस में, एच टू गैस में, एच टू गैस में, हाइड्रोजन गैस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हुई सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन पे आते हैं, विद सिल्वर नाइट्रेट, विद सिल्वर नाइट्रेट ए जी एन ओ थ्री, सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला इज ए जी एन ओ थ्री, एच सी एल गिव्स, एच सी एल के साथ जब ए जी एन ओ थ्री सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे तो ये देगा, गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये दोनों मिक रिएक्ट करके मिलेगा ए जी सी एल, ए जी सी एल, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो कि इनसॉल्यूबल है, जो कि इनसॉल्यूबल है इन इन नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। अब HNO3 कैसे आया, Ag तो Ag और Cl, यहाँ से Cl और यहाँ से Ag, AgCl बन गया यहाँ पर जाके। अब बचा क्या, यहाँ का H बचा, H हमने लिख दिया, यहाँ पर NO3 बचा, NO3 लिख दिया, यहाँ पर क्या मिल गया फिर नाइट्रिक एसिड के साथ साथ हमें मिला AgCl, सिल्वर क्लोराइड। AgCl इनसॉल्यूबल है नाइट्रिक एसिड के अंदर, बट AgCl सॉल्यूबल है हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर क्या करेंगे कि इसको फिल्टर आउट कर लेंगे, फिल्टर आउट कर लिया, AgCl हमें मिल गया, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर AgCl के अंदर, AgCl यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन लिख देती हूँ मैं, AgCl के अंदर हम फिर AgCl प्रेसिपिटेट के अंदर फिर हम डालेंगे अमोनियम NH4 हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर NH3 होगा तो अमोनिया है वो, NH4 है तो अमोनियम है वो, तो AgCl के अंदर अब हम डाल देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट आयन बनेगा जिसका नाम होता है डायअमीन सिल्वर क्लोराइड, डायअमीन सिल्वर क्लोराइड। सो लिख देते हैं डायअमीन सिल्वर क्लोराइड NH4, डायअमीन सिल्वर, नो AgNH3 होल टॉइस टू Cl, इसको बोलेंगे ये कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका नाम है सिल्वर, सिल्वर डायअमीन, इसका ये आयुपेक नेम है डायअमीन सिल्वर वन, सिल्वर वन, वन मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताता है या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको कहते हैं क्लोराइड, डायअमीन सिल्वर क्लोराइड। ये हुई सेकेंड रिएक्शन। AgCl को डिसॉल्व करने के लिए हमने इसके अंदर NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, देन हमें AgNH3 होल टॉइस टू क्लोराइड डायअमीन सिल्वर वन क्लोराइड हमें मिलेगा। ये हुई रिएक्शन कंप्लीट। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं इसकी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वाली रिएक्शन, जगह नहीं है यहाँ पर। सो ये रही हमारी थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या बोलती है, विद लेड एसीटेट, विद लेड एसीटेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स वाइट पीपीटी विच इज सॉल्यूबल इन ओनली हॉट वाटर, विच सॉल्यूबल इन ओनली इन हॉट वाटर। सो रिएक्शन लिखते हैं, HCl को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेड एसीटेट के साथ, लेड का फॉर्मूला पी बी। एसीटेट का मतलब क्या होता है,
ये एनहाइड्रस फॉर्म है एसिटिक एसिड की, यानी कि जो एसिटिक एसिड लिखते हैं ना CH3COOH, ये तो हुआ एसिटिक एसिड। एसीटेट मतलब हाइड्रोजन नहीं है, एनहाइड्रस है, हाइड्रोजन नहीं है एनहाइड्रस है। PbCH3COO गिव राइज टू, ये क्या हुआ, लेड एसीटेट के साथ जब हम HCl को रिएक्ट करवाएंगे, HCl जब रिएक्ट करेगा लेड एसीटेट के साथ तो हमें मिलेगा PbCl लेड क्लोराइड। Pb यहाँ से, क्लोराइड यहाँ से, अब बचा क्या, HCH3COH। हमें पता चल गया कि ये तो है एसीटेट CH3COO, और एक हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देते हैं और एसिटिक एसिड साथ में बना देते हैं एसिटिक एसिड। ये है लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। इस लेड क्लोराइड ये भी इनसॉल्यूबल है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, पर अगर हम इसे सॉल्यूबल बनाना है तो इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करके और हॉट वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर जब हम डाल देंगे तब ये भी सॉल्यूबल हो जाएगा। तो ये हुई हमारी चार रिएक्शंस, सबसे पहले लिटमस वाली, देन उसके बाद HCl को हम मेटल के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। फिर उसके बाद आया सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम HCl को रिएक्ट कराएंगे और हमारा इनसॉल्यूबल सिल्वर क्लोराइड बनेगा, नाइट्रिक एसिड साथ में बनेगा, AgCl जो है नाइट्रिक एसिड के अंदर इनसॉल्यूबल होता है। देन उसके बाद AgCl को अगर हमें सॉल्यूबल बनाना है तो उसके अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, नाइट्रिक एसिड को डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे, देन उसके बाद वो सॉल्यूबल कंपाउंड बन जाएगा। सॉल्यूबल कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, डायअमीन सिल्वर वन क्लोराइड, वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। थर्ड रिएक्शन में क्या पड़ा, विद लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट कराएंगे हम HCl को, देन उसके बाद हमें मिलेगा एक वाइट प्रेसिपिटेट PbCl, लेड क्लोराइड मिलेगा साथ में एसिटिक एसिड मिलेगा। एसीटेट जो होती है वो एनहाइड्रस फॉर्म होती है, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता, और एसिटिक एसिड जो होती है वो हाइड्रस फॉर्म होती है, उसके अंदर वो H+ आयन होते हैं। सो ये हुई हमारी तीन रिएक्शन, अब बाकी की रिएक्शन करते हैं, इसको रब करके आप नोट डाउन कर लीजिए। सो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फ्लोरीन डीकम्पोजेस HCl टू फॉर्म क्लोराइड। फ्लोरीन डीकम्पोजेस HCl, HCl के साथ जब फ्लोरीन रिएक्ट करेगा F, इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म क्लोराइड, तो क्लोराइड हमें मिलेगा, क्लोराइड हमें मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा साथ में। अब क्लोराइड तो चला गया, बचा क्या HF, बचा क्या HF, 2HF, HF को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF जो है बहुत ज़्यादा कोरोजिव होता है नेचर के अंदर, इसको हम स्टोर करके नहीं रखते ग्लास कंटेनर्स के अंदर, क्योंकि वहाँ से वो लेड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सो ये तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नाउ सिक्स पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस फॉर्म्स डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद अमोनिया। जब हम HCl को, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH3 और एक यहाँ से फोर, एक H ले लेंगे तो चार बन जाएंगे NH4Cl, Cl यहाँ का, तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड जो कि वाइट फ्यूम देगा। सेवन पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है साथ में किताबी चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्वा रेजिया की बात करेंगे, जो कि जैसे कि हमारे घर में क्या होता है कि जो गोल्ड्स होते हैं उनकी पॉलिशिंग कराने के लिए जब हम सोनारों को देते हैं, तब ये एक्वा रेजिया के अंदर हमारे गोल्ड के जितनी भी ज्वेलरीज होती है उनको एक्वा रेजिया में डालकर धोते हैं, उसके पे ब्रश लाते हैं। अब ये हम देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3 पार्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट, इसको मिलाने से एक्वा रेजिया हमारा फॉर्म होगा। अब देख, सो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। जब हम HCl को
HCl को रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3, नाइट्रिक एसिड इज HNO3 के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे, ये हम लेंगे वन पार्ट और ये हम लेंगे थ्री पार्ट, और नाइट्रिक एसिड लेंगे वन पार्ट। यानी कि अगर हमें 4 ml एक्वारेजिया बनाना है तो हम उसके अंदर 3 ml तो HCl देंगे, 1 ml इसके अंदर हम नाइट्रिक एसिड लेंगे, HNO3 लेंगे। ऐसे ही सपोज डेट अगर हमें 20 ml बनाना है तो 3 parts हम इसका HCl लेंगे, 3 parts यानी 15 ml हम HCl लेंगे और 5 जो 1 part हमारा बचा मतलब कि 5 ml वो हम HNO3 लेंगे। इसका मतलब ये पार्ट्स का मतलब ये हुआ। तो इसको रब कर देते हैं ना। HCl जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा हमें एक्वारेजिया देगा, NOCl प्लस H2O हमें मिलेगा। NOCl इज नाइट्रोसिल क्लोराइड। NOCl इज नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब देखते हैं कि ये जो है ना, ये जो पार्ट है वो एक्वारेजिया है, ये एक्वारेजिया बना। नाइट्रोसिल क्लोराइड कैसे बना अब देखते हैं। यहाँ से एक N गया, यहाँ से एक O गया, कितना O बचा, 2 O बच गया, एक O चला गया, यहाँ से एक Cl चला गया। Cl कट करते हैं, N को कट करते हैं और एक O को भी कट करते हैं। अब H2O कैसे बना आप देखते हैं। यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, 2 H हो गए, 2 H2, और यहाँ से हम एक O ले लेंगे, यहाँ से एक O ले लेंगे, H2O बन गया, वाटर बन गया, साथ में हमारा क्लोराइड भी बनता है, साथ में क्लोराइड भी बनता है। यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 HCl ले लेते हैं, साथ में क्लोराइड भी बनता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड हमें मिल गया, एक्वारेजिया। ये मैंने समझा दिया, एक्वारेजिया विच इज़ यूज्ड फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड प्लेटिनम को नोबल मेटल्स कहते हैं, इनको डिजॉल्व करने में काम आता है। इसीलिए जब हम सोनार को सोना देते हैं तो थोड़ा सा जो गोल्ड होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक्वारेजिया के अंदर वो मिल जाता है धोते टाइम, उसको साफ करने टाइम। सो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब 2 और प्रॉपर्टीज बची है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो अब ये लास्ट की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। 8 point क्या बोलते हैं, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डीकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड लाइक बाइकार्बोनेट सल्फाइट एंड नाइट्राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वीक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वीक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हमें क्लोराइड देगा, लाइक वीकर एसिड जैसे कि बाइकार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट। सल्फाइड में हम ले लेते हैं Na2SO3, अगर SO4 होता तो सल्फेट होता। नाइट्राइट में ले लेते हैं हम सोडियम नाइट्राइट। अब ये हुए वीकर एसिड्स, ये कार्बोनेट का एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइहाइड्रोजन के लिए लगता है। सल्फाइड में हो गया सोडियम सल्फाइट और नाइट्राइट में हो गया सोडियम नाइट्राइट। ये अब रिएक्ट करके हमें देगा NaCl, ये मिलेगा NaCl। अब यहाँ पर जब भी आपको कार्बोनेट दिख जाए ना कार्बोनेट रिएक्शन में, आँख बंद करके लिख देना प्रोडक्ट के अंदर CO2 और H2O मिलेगा। हर रिएक्शन के अंदर जहाँ पर भी कार्बोनेट होगा वहाँ पर CO2, H2O और साथ में जो रिएक्ट करके बनेगा वो तो मिलेगा, और इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे उसके अंदर CO2, H2O पक्का ही होगा। अब सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, HCl जो है NaCl बन गया। यहाँ पर बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक O बचा, यहाँ पर HCl है, यहाँ पर H2O बन जाएगा। अब यहाँ इसके अंदर हमारा बनेगा नाइट्रिक एसिड, इसके अंदर हमारा नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, प्लस में हमारा नाइट्रिक एसिड बन गया NO2, ये गया। अब यहाँ पर HCl है, यहाँ पर H2O भी बनेगा, ये बैलेंस केमिकल नहीं है, यहाँ पर 2 molecule HCl के लगाने पड़ेंगे, और साथ में हमें NO भी मिलता है, NO इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। सो ये हुआ रिएक्शन 8। अब 9 रिएक्शन पे आते हैं।
HCl gives chlorine, chloride gas, when warmed with oxidizing agents such as manganese dioxide and KMnO4. ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. क्या बोलता है कि जब HCl रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, HCl जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन गैस, क्लोराइड गैस हमें मिलेगी. इसके साथ में हमें क्लोरीन तो चला गया यहाँ से, अब क्या बचा? यहाँ पर H2O भी बनेगा, एक H2O बनेगा एंड यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड MnO, ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हो गए. अब यहाँ पर भी सेम है, HCl जब KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्लोरीन गैस देगा, साथ में हमें KCl भी मिलेगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड भी मिलेगा, प्लस में साथ में हमें MnO2 भी मिलेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड भी मिलेगा. ये सब हमारे बाय प्रोडक्ट्स हो गए. और वाटर भी मिलता है, H2O भी मिलता है. सो मेनली आप फोकस कीजिए कि क्लोरीन मिलेगा. ये सब तो हुए बाय प्रोडक्ट्स. सो अब केमिकल रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है.